hello friends welcome or welcome back to my channel and welcome back to another monday motivational video i hope you all are doing well and i hope that you all are good and preparing for your exams so i am here with a very crucial and a very important video uh, two to three days back icsi webinar a webinar on proposed syllabus 2023 because syllabus 2023 is really a talk of the town for specially rcs students so this reason, i have made a video थी एप्लीकेबिलिटी के ऊपर तो आई एम वेरी वेरी हैप्पीएसआई आया एंड दे है आईसीएसआई के यू नो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं बट आई हैव सीन दैट वीडियो एंड फॉर यू आई हैव कम अपना टेन हाईलाइट्स ऑफ द वेबिनार अबाउट द प्रपोज सिलेबस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सो वॉच टिल द एंड टू नो क्या हाईलाइट रही उस वेबिनार की और क्या आपको जानना चाहिए एज अ स्टूडेंट अबाउट प्रपोज सिलेबस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री बट बिफोर दैट इफ यूंगी फोर द फर्स्ट टाइम हाई एम सी एस जस्प्री दाय पोस्ट वीडियोज ऑलमोस्ट एवरी डे सो फील फ्री टू चेक द कंटेंट आई क्रिएट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू नॉट डन इट इट नाउ बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं एक कंसर्न आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज मेजरली मनडे मोटिवेशनल वीडियो माई रिप्लाई टू सम वन रहता है तो आज मेरा रिप्लाई भी किसी को बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो होना चाहिए सो so, uh, यू नो टू टू थ्री डेयज बैक ओनली किसी ने uh, नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा कि मैम आई मी एस सी ई टी स्टूडेंट आई एम गोइंग टू सिट इन सी एस सी ई टी तो मैं एग्जीक्यूटिव में न्यू में जाऊँ या ओल्ड में जाऊँ ऐसा कुछ क्वेश्चन था सो सम थर्ड पर्सन रिप्लाई टू दैट पर्सन तो फर्स्ट कॉमेंट तो ठीक है सेकेंड कॉमेंट में दैट अदर पर्सन वॉज लाइक कि अरे मैम ये जो प्रपोज सिलेबस है ये तो ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव में एप्लीकेबल होने वाला है बच्चों को मिसगाइड मत करो एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है राइट सो बट ठीक है अगर आप आगे रिप्लाई करना चाहते हो वी आर ऑल लाइक अ कम्युनिटी यू कैन बट यू शुडेंट राइट एनी थिंग विदाउट प्रॉपर इंफॉर्मेशन वो बच्चा वहां पे लिख रहा है कि ये नया सिलेबस तो 2025 में आ रहा है आई जस्ट रिमूव द कॉमेंट बिकॉज मैं ऐसे बच्चों को भी जानती हूँ जो बेचारे बहुत न्यू नो सेंसिटिव होते हैं पैनिक कर जाते हैं कि अरे यू नो हम ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सोच रहे हैं ये ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव बोल रहे हैं एंड एंड द आई डो नो कि वो बच्चा का एंड द लास्ट लाइन वॉज कि बच्चों को मिसगाइड मत करो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से ऑलवेज फॉलो ऑफिशियल सोर्सेज ऑलवेज ये मैं बच्चों को डे वन से कहती हूँ आप मुझे भी फॉलो मत करो फॉलो आई सी एस आई राइट आई थिंक आप सबके पास गूगल है फोन्स में गूगल कर लो देख लो आई सी एस आई ने अपने यूट्यूब चैनल पर पूरा का पूरा वेबिनार डाला हुआ है आई विल लीव द लिंक टू द सेम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लो एक बार जाके खुद से जरूर देखना राइट डोंट लिसन टू एनी बडी लेकिन जब आप खुद को यह चीज़ टाइप कर रहे हो स्पेशली किसी और को रिप्लाई करते वक्त सो मेक श्योर यूर नॉट पासिंग आउट एनी इन्फॉर्मेशन विच ो यू ऑल्सो डोंट नो तो मैं एकदम से आई वॉज दर कोई बच्चा और पढ़ेगा तो वो भी ऐसा सोचेगा कि पता नहीं सीरियसली शायद ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव में होने वाला है और हम कन्फ्यूज हो रहे हैं सो प्लीज़ डोंट फॉल फॉर ऑल दीज थिंग्स जब तक आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है तब तक किसी पर भी यकीन मत करो राइट सो मूविंग टू द टेन हाईलाइट्स ऑफ द वेबिनार स्टार्टिंग विद द फर्स्ट हाईलाइट सो फर्स्ट हाईलाइट में द वाइस प्रेजिडेंट सर ऑफ आई सी एस आई ने हमें ये बात क्लियर की कि एवरी फाइव स सी एस का सलेबस जो है चेंज होता है विच इज़ वेरी वेरी गुड लास्ट टाइम आपको पता होगा ये जो हमारे न्यू सलेबस जिससे हम बोलते हैं वो ट्वेंटी सेवेंटीन वाले स्टूडेंट्स है राइट सलेबस ट्वेंटी सेवनटीन जैसे हम बोलते हैं सो so, अब जो है नेक्स्ट चेंज आने वाला है सिलेबस में इट इज़ लाइक अ रिचुअल एवरी फाइव ईयर्स चेंज होता है जिसके लिए वैलड रीजनिंग है बिकॉज यू नो टाइम्स चेंज एंड यू नो एक्ट चेंज और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब एज पर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट एज पर ग्लोबल रिक्वायरमेंट जिनकी चेंजेस की जरूरत है उंड होती है सो इट्स अ गुड इनिशिएटिव कि सिलेबस जो है चेंज होता है सेकेंड और सबसे इंपॉर्टेंट बात थी एप्लीकेबिलिटी की जब आप वो वेबिनार देखोगे अगेन रिक्वेस्टिंग यू गो एंड वॉच इट तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट सर हैं मनीष सर ने शुरू में ही बताया आपको एप्लीकेबिलिटी के बारे में ऑफ बोथ सी एस एग्जेक्यूटिव एज वेल एज सी एस प्रोफेशनल उन्होंने बताया कि सी एस एग्जेक्यूटिव की एप्लीकेबिलिटी या इट विल बी रोल्ड आउट ऑन फर्स्ट ऑफ फेबर 2023 और इसका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो होगा दिसंबर में 2023 में एंड प्रोफेशनल वालों के लिए सिलेबस एंड प्रोफेशनल के लिए न्यू सिलेबस रोल आउट होगा ऑन फर्स्ट ऑगस्ट 2023 और प्रोफेशनल का न्यू सिलेबस का फर्स्ट अटेम्प्ट आएगा जून 2024 में राइट सो इन सिंपल वर्ड्स ऐसा होता है कि जो बच्चे फर्स्ट फेबर के बाद रजिस्टर होंगे अंडर एग्जीक्यटिव कोर्स वो न्यू वाले में चले जाएंगे और जो बच्चे फर्स्ट अगस्त के बाद प्रोफेशनल कोर्स में रजिस्टर होंगे वो भी न्यू वाले में चले जाएंगे राइट ऑन द अदर हैंड थर्ड पॉइंट ये भी है दे ऑल्सो क्लियर कि आपको वैलड नंबर ऑफ अटैम्प्ट मिलेंगे लाइक like जिससे हमेशा ही होता है ऐसा नहीं होगा कि आपको अचानक से स्विच ओवर कर दिया जाएगा जो, जो मैंने भी आपको क्लियर किया था इन माई लास्ट वीडियो कि अचानक से स्विच ओवर नहीं होता यू विल बी गिवन वैलिड अटैप्स यू नो एडिकुएट नंबर ऑफ अटैम्प ताकि आप ओल्ड में ही स्विच ओवर कर जाओ दो इट वॉज सेड कि दे ऑल्सो सजेस्ट कि आप न्यू में स्विच ओवर कर जाओ बिकॉज न्यू में नई चीजें होती हैं जैसे मैंने आपको बोला जो नई चीजें रिक्वायर्ड होती हैं इंडस्ट्री में वो चीजें होती हैं सो इट्स ऑलवेज एडवाइजल विद डैट वो मूविंग टू द फोर्थ पॉइंट होता है सब्सिक्वेंट एग्जामेशन अब आप बोलोगे कि मैम मैंने तो फॉर uh, एग्जाम्पल आपने सी एस एग्जेक्यूटिव ग्रुप वन क्लियर कर लिया राइट और उस, उसमें आपने टैक्स का पेपर क्लियर कर लिया जब आप न्यू सिलेबस में फॉर एग्जाम्पल आप सोच रहे हो मैं स्विच ओवर कर जाऊं आप स्विच ओवर कर गए तो क्या आप टैक्स का पेपर दोबारा दोगे द आंसर इज नो तो अगर आपका वो टैक्स का पेपर ग्रुप टू में फॉल कर रहा है सी एस एग्जेक्यूटिव तो उसके लिए आपको एक सब्सिक्वेंट एग्जामेशन मिल जाती है यानी कि जो पेपर आपने पहले क्लियर किए हैं अगर आप न्यू में स्विच ओवर हो जाते हो तो वो पेपर आपको नहीं करने पड़ते बाकी के बचे हुए पेपर आपको क्लियर करने पड़ते हैं राइट right? सो so, जो है नो इट वॉज कि वी आर डिस्कसिंग ऑन इट बट हर बार की तरह साइमल्टेनियस you एग्जाम know, वाला इशू भी जरूर आएगा टू दिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक क्वेरी उस दिन मुझे आई आई थिंक डी एम में आई कि इट इज बीन सेड कि ओल्ड सिलेबस जो है वो ईजी होगा न्यू डिफिकल्ट होगा नो रंजीत सर ऑल्सो सेट दैट दे नो ड्रास्टिक चेंजेस प्लीज लिसन टू इट वेरी वेरी केयरफुली आपको क्या लगता है कि मतलब अचानक से कुछ ऐसा नया आ जाएगा जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होगा जो बेस होता है ना दैट ऑलवेज टेज द सेम राइट तो उन्होंने स्पेशली बोला कि ऐसा कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं है सो डोंट वरी अबाउट दैट देर बी नो ड्रास्टिक चेंज सिक्सथ एंड अ वेरी वैलड पॉइंट दिस सेट कि वेन मूविंग टू द न्यू सिलेबस उन्होंने इस बात का ख्याल रखा दैट दे विल रिड्यूज़ द अमाउंट ऑफ कॉन्टेंट ना हाउ कैन दैट भी हैपन लाइक आप बोलोगे कि मैम कैसे रिडक्शन हुई रेपिटेशन की राइट right? बहुत सारे टाइम्स पर आप देखते हो कि एक टॉपिक हम एक सब्जेक्ट में भी पढ़ते हैं फिर हम वो दूसरे में भी पढ़ते हैं फिर हम वो तीसरे में भी पढ़ते हैं सो वट दिस सेट इज़ दैट कि हम नहीं चाहते कि आप एक ही टॉपिक को बार बार अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ो तो जो भी टॉपिक्स की रेपिटेशन हो रही हैं उन्हें कम किया गया है सो टॉपिक्स बींग नॉट बी रिपीटेड इन द न्यू सिलेबस अगर आप एक टॉपिक एक ही जगह पर पढ़ रहे हो तो वो एक ही जगह पर रहेगा ऐसा नहीं है सारे सब्जेक्ट्स में आप एक ही तरीके के टॉपिक्स पढ़ोगे राइट सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जहां पर उसका बेस या जहां पर उसका प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट रहेगा वो टॉपिक वहीं पर रहेगा बाकी सारी जगहों पर स्प्लिट नहीं होगा तो रेपिटेशन कम होने की वजह से भी आप देखोगे कि कंटेंट में काफी जो है रिडक्शन आएगा सेवेंथ नो मोर हंड्रेड परसेंट एमसीक्यू अब आपको पता ही है कि हंड्रेड परसेंट एमसीक्यू जैसे टैक्स का पेपर है हमारे सी एस एग्जेक्यूटिव में और दो तीन पेपर हैं, तो उस तरीके से नहीं रहेगा अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा एग्जेक्यव लेवल पे उन्होंने बोला 80 टू 20 परसेंट रहेगा यानी कि 80 परसेंट डिस्क्रिप्टिव एंड 20 परसेंट एमसी वो भी कुछ पेपर्स में और कुछ पेपर्स में 100 परसेंट डिस्क्रिप्टिव रहेगा प्रोफेशनल अगेन 100 परसेंट डिस्क्रिप्टिव रहेगा ऑन दिस पॉइंट आई वुड से इट्स अ गुड इनिशिएटिव बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि हंड्रेड परसेंट वाला जो फंड है स्पेशली टैक्स में इट एक्चुअली डजेंट लेट यू स्कोर गुड क्योंकि आपको स्टेप मार्किंग नहीं मिलती आपको और काफी सारी चीजें काफी सारी जगहें हैं जहां पर आपको यूनो uh, you know, तो कमियाँ लगती हैं तो इसीलिए इट्स तो अ गुड इनिशिएटिव कि उन्होंने जो है हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट एमसीक्यू हटा के एटी ट्वेंटी कर दिया ताकि एटलीस्ट डिस्क्रिप्टिव वाले में ना आप देखोगे टैक्स में आपको स्टेप मार्किंग मिलती है टैक्स में आपको और चीजें यू नो वर्किंग नोट्स वगैरह के मार्क्स मिलते हैं एंड इट्स ऑलवेज गुड कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं वो इस तरीके से हो रहे हैं यू नो इन रिटर्न फॉर्मैट हो रहे हैं तो ये चीज़ हट जाएगी आगे से कोई भी सब्जेक्ट हंड्रेड परसेंट एमसीक्यू में नहीं आएगा एग्जीक्यूटिव में इट्स एटी ट्वेंटी एंड प्रोफेशनल में इट्स हंड्रेड परसेंट

So, ज़्यादा चीज़ें क्या होनी चाहिए? आपकी skill applicability होनी चाहिए? चाहिए, आपकी आपका यू नो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपकी कंसेप्शन क्लैरिटी की जो एप्लीकेबिलिटी अब तो आप समझ के तो आ गए फिर आप उसको अप्लाई कैसे करते हो वो चीज देखी जाएगी एंड नेक्स्ट वन इज प्रोफेशनल लेवल पे इलेक्टिव पेपर्स जो इंट्रोड्यूस है हुए हैं इलेक्टिव पेपर आपको पता ही होगा जैसे सी में ओपन बुक एग्जाम होता है तो इलेक्टिव पेपर ओपन बुक एग्जाम होगा बट बी टू एट प्रोफेशनल लेवल एग्जीक्यूटिव पे कोई इलेक्टिव पेपर नहीं है प्रोफेशनल लेवल पे टू इलेक्टिव पेपर्स है so, एंड विद दिस मूविंग टू द लास्ट वन कि उन्होंने कुछ सीक्वेंस में भी चेंज किया है पेपर के सीक्वेंस में चेंज करने का उन्होंने जो मेजर रीजन बताया वो ये था कि पहले आप कोई चीज़ समझो और फिर उसकी एप्लीकेबिलिटी करो यानी yani कि जो टॉपिक पहले समझने चाहिए वो उन्होंने पहले मॉड्यूल में डाल दिए जो बाद में समझने चाहिए वो तो उन्होंने बाद में सेकेंड मॉड्यूल में डाल दिए तो जैसे बच्चे कहते ना कि सेकेंड पहले दे दो सो दिस इज वाई वी टेल कि फर्स्ट है तो फर्स्ट को फर्स्ट में दिया करो बिकॉज देर इज अ रीजन बिहाइंड सेटिंग दोज सिक्वेंसिस राइट सो दीज आर द टेन हाईलाइट्स ऑफ द वेबिनार अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि आप जाके खुद वो वेबिनार चेक करो उसमें आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी और उसमें उन्होंने सिलेबस के बारे में भी बात की है ना एज सी एस हम सबको मेल्स आई थी अबाउट प्रपोज्ड सिलेबस तो मेरे पास पूरा का पूरा रिपोर्ट है ऑन द प्रपोज सिलेबस इफ यू वॉन्ट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन द न्यू सिलेबस राइट बिकॉज मैं अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं कहना चाहती ये तो जो आई ने बोला वो लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं कौन से लेटिव में चले गए बिकॉज बच्चे काफी कन्फ्यूज हैं रिसेंटली और क्या सीक्वेंस है क्या नए सब्जेक्ट हैं जो एंटर हुए हैं क्या बाइफन वगैरह तो हमारे पास रिपोर्ट आई है इफ़ यू वॉन्ट टू चेक तो मैं उसका एक बना सकती हूँ बिकॉज दैट विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड तो वो आपको मैं साइड बाय साइड बता दूंगी कि कौन कौन से सिलेबस है या कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं एंड क्या क्या चेंजेस आई हैं क्या क्या नए सब्जेक्ट्स आए हैं क्या क्या सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट रिमूव हो गए वो सारी चीजें राइट सो डू लेट मी नो अबाउट दैट एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया आपको ये वीडियो हेल्प हुआ होगा और अगर आपको टाइम लगे तो आप दोबारा से यू नो ऑफिशियल सोर्सेस से हमेशा चेक किया करो किसी के भी कमेंट पे किसी की भी यू you नो know, uh, ऐसे र्यूमर्स पे यकीन मत किया करो एंड इवन ऑल्सो नो हु यू आर फॉलोइंग राइट हमेशा इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि आप किसी ऐसे पर्सन को ना फॉलो कर रहे हो जो uh, श्यरली रूमर्स फैला रहा है या इधर उधर की बातें कर रहा है सो ऑलवेज बी श्योर कि आप ऐसे सोर्सेज को फॉलो करो जो 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 ऑफिशियली आपको कनेक्ट करें और कुछ भी अपनी तरफ से लगा के ना बताएं सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड डो लेट मी नो कि आपको वीडियो कैसा लगा शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ बिकॉज काफी बच्चे परेशान हैं इसको लेकर एन आल सी ओन माई नेक्स्ट स्टे हैप्पी स्टेसन कीप द प्रेपरशन ऑन बाय